दो घंटे रह गए, वज़ीर-ए-आज़म की किस्मत का क्या होगा फैसला। कौम को है बेचैनी से इंतजार, कहीं होगा जश्न तो कहीं छा जाएंगे सन्नाटे। सब नजरें सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर एक पर। केस की 36 समातें हुई, 57 रोज कबल फैसला महफूज किया गया। इमरान खान, शेख रशीद, सिराजुल हक और दीगर रहनुमा फैसला सुनने सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पैनामा के फैसले के मौके पर इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सख्त। सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द खारदार तार नस्ब। शहराए दस्तूर पर भी गैर मुतालिक अफराद का दाखिला ममनू। खुसूसी पास वाले लोग ही अदालत दाखिल हो सकेंगे। मुकदमे की फरीक जमातों को 15-15 कार्ड जारी। वजीर आजम ने कारकुनों को सुप्रीम कोर्ट जाने से रोक दिया। अटर्नी जनरल अश्तर औसाफ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है, सबको फैसले का एहतराम करना चाहिए। अली अहमद कुर्द का कहना है कि पनामा लीक्स का फैसला सदियों याद रखा जाएगा। जस्टिस रिटायर्ड शायख उस्मानी कहते हैं मुख्तलिफ इदारों की साख मुतासिर हो सकती है। नवाज शरीफ आज भी वज़ीर-ए-आज़म है, कल भी हो गए। वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ की मुखालफीन पर कड़ी तनकीद, कहते हैं सरे महल के एतराफ के बावजूद जरदारी साहब के खिलाफ अदालत नहीं लगाई गई। अल्जाम लगाने वाले अपने गिरेबानों में झांके, अदालत का फैसला आईन और कानून के मुताबिक आएगा। कप्तान नई इनिंग्स खेलने को तैयार, कारकुनों को प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार। नईमुल हक का कहना है कि आज मालूम होगा कि सियासत का रुख किस तरफ होगा। हुक्मरानों के इक्तदार की कश्ती डूब रही है, जो भी फैसला होगा कबूल होगा। पनामा केस के फैसले के रोज रावलपिंडी की लाल हवेली में भी गहमा गहमी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा का तगड़े नाश्ते का एहतमाम। चने, नहारी, पाए और हलवा पूरी का खुसूसी इंतजाम। शेख रशीद कहते हैं अगर किसी ने लाल हवेली का रुख किया तो जिम्मेदार नवाज शरीफ होंगे। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग की आलम चौक में दुआया तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का सदका उतारने के लिए काले रंग के बकरों की कुर्बानी। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा और मुजफ्फरगढ़ समेत मुख्तलिफ शहरों में वज़ीर-ए-आज़म के हक में बैनर आवेज़ा। पनामा केस में वज़ीर-ए-आज़म और उनके बच्चों के वकला को फीसें किसने अदा की। रोजामा 92 न्यूज ने सुराग लगा लिया। केस के वकला को 33 करोड़ रुपए की अदायगियां जाती अकाउंट से नहीं बल्कि मुख्तलिफ सरकारी जराए से की गई। रोजामा 92 न्यूज में इनके शाह पर मबनी रिपोर्ट शामिल। शेखुपुरा में सीटीडी की कार्रवाई, कालादम जमातुल अहरार के 8 दहशतगर्द हलाक, 4 फरार हो गए। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। लाहौर में अहम मकामात को निशाना बनाना चाहते थे, दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 अहलकार जख्मी। सीटीडी ने कार्रवाई नारंग मंडी के गांव करतू में की। वली खान यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म मशाल खान का कत्ल, मजीद 8 मुल्जिम गिरफ्तार। गिरफ्तार अफराद की तादाद 32 हो गई। एक और मुल्जिम फरहान ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। कराची में डाकुओं को शहरी से लूट मार महंगी पड़ गई। PSHSE में डाकुओं ने शहरी को रोकने की कोशिश की तो कार सवार ने गाड़ी डाकुओं पर चढ़ा दी। गुलजारे हिजरी में भी शहरियों ने लूट मार करने वाले डाकुओं को पकड़ लिया, तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले। कराची में शहरियों और ताजरों के अलावा अखबार फरोशों को भी रोजनामा 92 न्यूज का शिद्दत से इंतजार। ऑल पाकिस्तान अखबार फरोश फेडरेशन और अंजुमन अखबार फरोशान कराची के अहदेदारों का रोजनामा 92 न्यूज कराची ऑफिस का दौरा, केक काटा और दुआएं की।
तो आज 50 साल के बाद कैसे आपको याद आया कि अजान से आपकी नींद खुलती है, तकलीफ होती है? 50 साल पहले राज किसी और का था इसके लिए। और सोनू निगम जी, आप करीब 50 बरस के हो गए हैं, अचानक किस तरह याद आया कि आपको अजान से तकलीफ होती है? क्या ये सवाल मुल्क की हुकूमत देखकर उठाया गया? यास्मीन नामी लड़की का भारतीय गुलकार से सवाल, वीडियो को 80 लाख बार देखा गया है।